तो गाइस फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि समर स्लैम मैचेस के लिए अब तो सारे मैचेस भी कंफर्म हो चुके हैं। तो गाइस आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से मैच है जो कि बेसिकली इस बार देखने को मिलने वाला है समर स्लैम में। और गाइस साथ ही साथ इस वीडियो में बेसिकली ये भी देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन से सुपर स्टार है जिनका रिटर्न देखने को मिलने वाला है इस बार समर स्लैम में। तो सारा कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं इस बार का जो समर स्लैम मैच होने वाला वो होगा 3 अगस्त को क्लीवलैंड के होम टाउन यानी कि यूएस कैलिफोर्निया में। तो गाइस इस बार का जो इवेंट होने वाला है बेसिकली ये होगा यहाँ पर लोगन पॉल के होम टाउन में। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेकंड बिगेस्ट प्रीव्यू वाला इवेंट है, तो इस समर स्लैम मैच के लिए 6 से 7 मैचेस कंफर्म होने वाले हैं। तो गाइस इस बार प्रीव्यू वाला इवेंट में सबसे पहला जो कि मैच हमें देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पर कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच अंडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और गाइस वैसे तो आप जानते हैं इस मैच में यहाँ पर ब्लड लाइन पूरी तरह से दखल अंदाज देने वाले है और यहाँ पर रॉमर का भी एक्सपेक्टेशन है कि इस मैच में यहाँ पर रिटर्न होने वाले हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कोडी रोड ही वो शख्स थे जब यहाँ पर रोमेज को हराया थे, तभी से यहाँ पर रोमेज काफी दिनों से गायब हैं। अब हो सकता है कि गाइस यहाँ पर रोमेज का रिटर्न देखने को मिले इस बार समर स्लैम मैच में, और इस कंडीशन में आने के बाद यहाँ पर रोमेज अपना बदला ले सकते हैं कोडी रोड से। उसके बाद समर स्लैम का सेकंड मैच जो कि हमें देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पर रिया रेपली वर्सेस ली मॉर्गन के बीच। वैसे गाइस ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है क्योंकि इस समय जो इनकी स्टोरी लाइन चल रही है वो देखने में कुछ अलग ही मजा देखने को मिल रहा है। एक तरफ लिप मॉर्गन है और दूसरी तरफ रिया रेपली और बीच में डोमिनिक मिस्टर जो कि डोमिनिक मिस्टर ने अभी यहाँ पर हाल ही में ट्वीट भी किया था कि जस्टिस फॉर माई सेल्फ, क्योंकि गाइस यहाँ पर ली मॉर्गन जो कि अपने प्यार के ट्रायंगल में फंसा चुके हैं डोमिनिक मिस्टर को और सामने से मामी यानी कि रिया रेपली टॉर्चर कर रही हैं। तो वैसे पे यहाँ पर डोमिनिक मिस्टर ने यही ट्वीट किया था कि स्टॉप टॉर्चरिंग मी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो कि हमें तीसरा मैच देखने को मिलने वाला है वो होगा लॉगन पॉल वर्सेस सीएलए नाइट के बीच। वैसे गाइस इनके बीच ही काफी समय से स्टोरी लाइन चलती आ रही है और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि ये होम टाउन है यहाँ पर लॉगन पॉल का, तो ये मैच होना ही था। और गाइस यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिर इस मैच में कौन जीता, क्या लॉगन पॉल जीतेंगे या फिर एलए नाइट ही रहेंगे चैंपियन। उसके बाद गाइस नंबर 4 पे मैच हमें देखने को मिलेगा बेली वर्सेस नाया जैक के बीच। वैसे गाइस इस मैच में कोई भी दम नहीं, हालांकि डब्ल्यू ने इस मैच को कंफर्म कर दिया है। वैसे आप क्या कहना चाहोगे इस मैच के बारे में? उसके बाद गाइस यहाँ पर हमें अगला मैच देखने को मिलेगा यहाँ पर गुंथर वर्सेस डायमंड पेस्ट के बीच। ये गाइस ये राइवलरी वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी है अभी तक। यहाँ पर गुंथर जो की काफी पोटेंशियल बताए जा रहे थे इस मैच को जीतने के लिए, पर डायमंड पेस्ट ने उनको यहाँ पर पीछे छोड़ रखा है। और ऐसे जो मैच होगा वो होगा इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, तो देखने ये होगा कि आखिर कौन विनर होने वाला है। उसके बाद गाइस फाइनल लास्ट समर स्लैम का लास्ट मैच जो कि हमें देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच। हालांकि गाइस ये मैच अभी तक कंफर्म नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियली, पर ये मैच जल्द ही कंफर्म हो जाएगा और ये मैच देखने में तो अलग ही मजा आने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक का जब से रिटर्न देखने को मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई में तब से उनका एक भी मैच अभी तक नहीं हुआ और सामने यहाँ पर सबसे अंडररेटेड सुपरस्टार यानी कि ड्रू मैकइंटायर हैं। तो क्या बोलते हो आप लोग, आखिर इस मैच का विनर कौन होगा, ड्रू मैकइंटायर या फिर सीएम पंक?